आप कैच द न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचटी। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एचटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। और माता रानी का अगर उनके नाम से दीप प्रज्वलन होता है तो एक श्लोक तो बनता है कि वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमेजेव शुभकारेषु सर्वदा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच यादव देवी प्लीज फॉर लाइटनिंग द लैंप। आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप सीट से बैठ जाए तो आप लोगों को और क्लियरली दिखेगा, आपके जो पीछे लोग हैं उनको बहुत क्लियरली दिखेगा। एक्सेप्ट फॉर द पीपल फ्रॉम द मीडिया दे हैव टू टेक द पिक्चर्स, अदरवाइज आप सब प्लीज अपने स्थान ग्रहण कर लें, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। जब
नमस्कार। जैसा कि समीक्षा फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन है, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया जी आई हुई, आइए उनसे बात करते हुए जानते हैं कि क्या शुभकामनाएं देंगे और जैसा कि संस्था भी अच्छा काम कर रही है, किस तरह से सराहना करेंगी। मैम क्या कहेंगे आज किस कार्यक्रम के? इस फाउंडेशन के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें बच्चों को और बड़ों को दोनों को मौका मिल रहा है अपनी प्रतिभा का दिखाने का, और इनको मैं समीक्षा फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, इनके अध्यक्ष को, इनके सचिव को, इनकी पूरी पूरी टीम को, कि उन्होंने हमारे बच्चों को और जो महिलाओं को दोनों को मौका दिया, एक मंच दिया है और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, और जब तक मंच नहीं मिलता है तब तक प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं प्राप्त होता, और इनके द्वारा वो मंच प्रदान हो रहा है और प्रतिभा का को दिखाने का अवसर मिलेगा। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, ये आगे बढ़े, अच्छा काम करें और इसी तरह से हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता रहे। जैसा कि समीक्षा फाउंडेशन द्वारा ये आयोजन किया गया राजधानी के बलि प्रेक्षागृह में, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया जी आई थी, जिनसे हमने बात भी की। आइए फाउंडर संगीता मिश्रा से जानते हैं कि आयोजन करने का क्या उद्देश्य था। हमारे आयोजन करने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि गरीब महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ाना, जिनको कोई भी सुविधा मुहैया ना हो सकती है, उनको अपने स्तर से हम जिसके भी सहयोग से सहायता करवा सकते हैं वो करवाते हैं। अगर बच्चे को फीस नहीं जमा होती है तो फीस जमा करवाते हैं, अगर कॉपी किताबें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं तो वो भी किसी न किसी के सहयोग से या अपने से जितना हो सकता है संस्था की तरफ से वो उपलब्ध करवा देती हूँ। इसके अलावा मैं चाहती हूँ जो स्ट्रीट पे बच्चे रहते हैं, जिनको घर नहीं है, जिनको किताब नहीं, जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि अधिक से अधिक लोगों के पास ले जाऊँ, मिलवाऊँ और उनको वो दुनिया दिखाई जिस दुनिया के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, और वो दुनिया वो देखे वो भी हमारी तरह में जैसे वो रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी फाउंडर संगीता मिश्रा, इनके अध्यक्ष से भी जानते हैं, जिनका नाम आशीष है, उनसे जानते हैं कि संस्था में कब से संस्था काम कर रही है और क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में। मैं आशीष त्रिवेदी हूँ, संस्था समीक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, और ये फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि महिलाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाना, उन्हें समाज में प्लेटफॉर्म देना, जो भी बच्चे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है वो अपना जो उनके अंदर कलाएं हैं अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके वो, और अपना जो उनका ड्रीम है उसको ड्रीम को पूरा कर सके। और आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम इससे बड़ा प्रोग्राम करना चाहेंगे, जहाँ पे प्रदेश भर के बच्चे आएँ, प्रदेश भर की महिलाएँ आएँ, जो यहाँ आके अपना कौशल, अपनी कला को दिखाएँ, ताकि उनको नया प्लेटफॉर्म मिले, एक प्लेटफॉर्म अप मिले, ताकि वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके। धन्यवाद। तो समीक्षा फाउंडेशन की ये पहल थी कि प्रतिभाओं को मंच देने का काम कर रहे हैं, जहाँ पे कई बड़ी हस्तियाँ उपस्थित हुई। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।